वार्ड नंबर 3 सोलन के उत्तर दिशा में बसा हुआ है और सोलन का महत्वपूर्ण वार्ड है। सोलन की सब्जी मंडी इसी वार्ड में स्थित है जहां से करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। इस वार्ड में कांग्रेस समर्थित महिला पार्षद पार्वती तनबर पर वार्ड के विकास का जिम्मा है। पार्वती तनबर तेज तरार महिला पार्षद है जो नगर परिषद की बैठकों में अपने वार्ड के विकास को लेकर अपनी आवाज बुलंद करती आई है। यही कारण है कि उनका वार्ड विकास के नए आयाम लिख रहा है। पार्वती तनबर की माने तो इस वार्ड में उनसे पहले विकास न के बराबर था। वार्डवासियों को 15 दिनों तक पानी का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज उनके वार्डवासी बेहद खुश हैं। घर घर पानी पहुंच रहा है, जगह जगह बिजली के पोल लगाकर अंधेरी गलियों में लाइट का प्रबंध किया है। पार्वती तनवर ने कहा कि उनके वार्ड में पानी की भारी किल्लत थी, तो उन्होंने इस व्यवस्था को सुधारने और लीकेज को रोकने के उचित प्रबंध किए। उन्होंने बताया कि अब उनके वार्ड में पानी की पाइपों में कोई भी फ्लूल नहीं है, सभी को एक समान पानी वितरित होता है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा 4 सड़कें पक्की करवाई गई, वहीं वार्ड में नालों को ढककर कई नए रास्ते बनाए गए। उन्होंने बताया कि उनका वार्ड आर्मी एरिया के साथ लगता है, उनकी आपत्तियों के कारण कई रास्ते नहीं बन पा रहे थे, लेकिन उन्होंने आर्मी के अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर उनसे रास्ते बनवाने की अनुमति ली और आज वार्ड वासी इन रास्तों का उपयोग कर रहे हैं। पार्वती तनवर ने बताया कि वे 3 प्रोजेक्टों पर काम कर रही हैं, जिसमें वे सबसे पहले अपने वार्ड में मल्टी स्टोरेड पार्किंग बनाना चाहती हैं, जिसके लिए वे सारी औपचारिकताएं पूरी कर चुकी हैं। वहीं वे बच्चों और वृद्धों के लिए पार्क बनाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि उनका तीसरा सबसे बड़ा सपना है कि वे अपने वार्ड में डिस्पेंसरी खोलना चाहती हैं, जिसके लिए वे प्रयासरत हैं। अगर जनता उन्हें दोबारा चुनती है तो वे ये 3 कार्य वार्ड के लिए करना चाहेंगी। सभी को पता है हमारे वार्ड नंबर 3 में बहुत ही पिछड़ापन बोलूंगी मैं तो इस चीज़ को, क्योंकि ना तो रास्ते थे, ना ही बिजली का ही कोई ज़्यादा कोई सुविधाएं थी, और पानी की तो हमारे यहाँ पे पिछले कोई 15-20 सालों से बहुत ही ज़्यादा किल्लत थी। तो मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले पानी की रही है। वार्ड में मैंने पिछले 5 सालों में पानी की 2 इंच की पाइपें बिछाई है और सबको डोर टू डोर पानी पहुँचाया है, और आज की डेट में कम से कम कोई 30% मैंने लीकेज बचाई है। नई पाइपें बिछा के 30% लीकेज बचा ली है। आज पूरा वार्ड खुश है। कभी हम 15-15 दिन तक पानी के लिए भी तरसे हैं, लेकिन आज सबकी ओवरफ्लो टैंकियाँ जाती है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। हमारे कब्रिस्तान से ऊपर एक पुलिस लाइन को लाइन जाती है, 3 इंच की लाइन आई है पीछे से, वो मैंने वार्ड तक लाई हूँ मैं 3 इंच की लाइन, और वहाँ से मैंने आगे 2 इंच की लाइनें शुरू की, और सबसे पहली प्रायोरिटी की कि फ्रूल ख़त्म किया मैंने। डायरेक्ट सबको घर के आगे 2 इंच की लाइन दी और वहाँ से मैंने डायरेक्ट कनेक्शन उनको सबको दिलाया। आज सब खुश है वार्ड वाले इस बात को लेकर। डीएवी स्कूल के पास एक पिछली तरफ को एक नाला था, बहुत बड़ा नाला था, और वहाँ पे सड़क का निर्माण भी किया मैंने, नाले भी कवर करवाया, क्योंकि उसमें कई बार बच्चे भी गिर जाते थे स्कूल की, यहाँ पे बच्चों की वजह से काफ़ी आवाजाही रहती थी। वो वाला नाला मैंने सारा नीचे से लेकर बंद करवाया, ऊपर आर्मी एरिया तक। अच्छा, कई नई नई रास्ते भी बनवाए मैंने, क्योंकि रास्ते यहाँ पर बहुत कम थे। काफ़ी आर्मी एरिया से हमारा वार्ड अटैच था, तो आर्मी वालों ने हमारा आना जाना बंद कर दिया वार्ड वालों ने, तो मेरे आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया कि मैं किस तरह से करूं। लेकिन मैंने वार्ड वालों की सहायता से और सबको, जो भी यहाँ के लैंडलॉर्ड थे, उनको मनाया और उनसे मैंने आग्रह किया कि मुझे आप चाहे 2 ही फुट दो, लेकिन मुझे प्लीज़ रास्ता बनाने दो। मैंने सबको मनाया यहाँ पे, और मैंने जो रास्ते कभी 35 सालों में नहीं बने, वो रास्ते मैंने विद ग्रिल विद टाइलें सबको बना के दे दिए। पहले तो पूरे वार्ड वालों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे मौका दिया है अपने को प्रूव करने का, और मैंने ईमानदारी से काम किया है जो वार्ड वालों ने भी देखा है। तो अगर कोई और इसमें त्रुटियां रही है तो मैं अगर जीत के आ गई आने वाले समय में, तो मैं और इसे पूरा करूंगी और तन मन से काम करूंगी। इस दौरान मैंने बहुत से रोड भी, 4 रोड मैंने रिपेयर किए हैं। सर, मैं सबसे बड़ी उपलब्धि रास्तों की और पानी की मानती हूँ, कि ये हमारे बहुत ही एक मतलब शर्म की जैसी महसूस होती थी कि हम हर बार वोट मांगने तो जाते हैं लेकिन कर नहीं कुछ नहीं पाते थे। मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि पानी और रास्ते। मैंने सब्जी मंडी में भी 1.5 इंच की लाइन बिछाई है, और गौशाला में पानी की था ही नहीं, बहुत किल्लत थी, था ही नहीं। इन्होंने आग्रह किया तो मैंने उनको वहाँ से आधा इंच की, अपने वार्ड से आधा इंच की लाइन गौशाला के लिए बिछवाई है। मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट एक नहीं, 2 नहीं 3 3 ड्रीम प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट तो मेरा ये है कि यहाँ पर पार्किंग नहीं है,
पार्किंग की बड़ी भारी असुविधा है लोगों के लिए, तो मैं मल्टी स्टोरी पार्किंग और बिल्डिंग बनाना चाहती हूँ। हमारे वार्ड में जगह भी चिन्हित है और मैंने इसका सारा खाका भी तैयार करके हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से आए थे उनके लिए भिजवा दिया है। और सबसे पहला मेरा चैलेंज वार्ड वासियों को पार्किंग देना है, और उसी में ही एक मतलब यहाँ पे जो बिल वगैरह होते थे और सारा हमारे बाजार को जाना पड़ता था पे करने के लिए, उसमें एक पोर्शन वो, और डिस्पेंसरी और एक छोटा सा बुजुर्ग और बच्चों के लिए पार्क की सुविधा भी देना चाहती हूँ मैं इसके लिए। ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम वर्क है।